शिवपुर शहर में 16 सितंबर को आशीष गुप्ता निवासी झांसी तिराहा आईसीआईसी बैंक के सामने से हुंडई वर्ना कार को घर के सामने से अज्ञात चोर चोरी करके ले गए थे। देहात थाना पुलिस ने चोरी की गई कार को जब्त कर लिया है, जिसकी शिकायत पर देहात थाना पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया है। देहात थाना प्रभारी रत्नेश यादव ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर एक ब्रेजा कार से चार अज्ञात चोर कार को चोरी करके ले गए। ब्रेजा कार की पहचान टोल प्लाजा के सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आने जाने का ट्रैक का पीछा कर पुणे मुंबई महाराष्ट्र पहुंचे एक टीम सोनीपत हरियाणा रवाना की गई। 26 सितंबर को आरोपी अमरजीत और शौकीन को सोनीपत हरियाणा से गिरफ्तार कर ब्रेजा कार को जब्त किया गया। चारों चोरों ने कार को चोरी करना स्वीकार किया। आरोपी लैपटॉप चलाकर किसी भी कार के लॉक को खोल सकते हैं। अर्जुन पंडित चोरी की गई कारों को पुणे महाराष्ट्र में बेचता है। चोरी की गई कार अपने साथी पहलवान उर्फ मुजाहिद ने अपने दोस्त अर्जुन पंडित पुणे महाराष्ट्र को देना बताया। शिवपुरी से यूसुफ खान की रिपोर्ट। एक्चुअली मैं 19 सितंबर 2024 को आशीष गुप्ता शिवपुरी निवासी, उनकी एक कार वरना कार चोरी हुई थी, जिसके संबंध में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री अमन सिंह राठौड़ साहब के द्वारा तुरंत इसको संज्ञान में लिया जा करके टीमों का गठन किया गया था। पुलिस को मिली तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने एक घटना में प्रयुक्त ब्रेजा कार जो गुजरात नंबर प्लेट पर थी उस पर जो है वर्कआउट किया, तो उस पर वर्कआउट करने पर जो है पुलिस को सुराग मिले और पुलिस हरियाणा तक पहुंची और अमरजीत पुत्र धर्मवीर और शौकीन पुत्र खुर्शीद को पुलिस ने पकड़ा और उनसे पकड़ने पर इस बात का खुलासा हुआ कि ये गाड़ी जो है जो चोरी की गई गाड़ी है पहलवान और मुजाहिद और अल्ताफ जिसका पहले पूर्व में नाम अर्जुन पंडित बताया गया था उनके द्वारा आइडेंटिफाइड की गई कि ये गाड़ी पुणे में फलाने व्यक्ति के पास है। उस पर से पुलिस टीम भेजी गई, पुणे भेजी गई, जहां पर ये क्लियर हुआ कि उस व्यक्ति का नाम अर्जुन पंडित नहीं है, अल्ताफ है और पुलिस ने वहां पर अपना एक मुखबिर मामूर किया और जैसे ही मुखबिर ने सूचना दी कि अल्ताफ उसी तरह की बिल्कुल सेम वरना गाड़ी से जो है वहाँ पर देखा गया है तो पुलिस टीम यहाँ से रवाना की गई तो अल्ताफ के घर पर ही ये वरना गाड़ी मिली जिस पर महाराष्ट्र की नंबर प्लेट लगी हुई थी। पुलिस जो है आशीष गुप्ता जो वरना गाड़ी के मालिक हैं उनकी चाबी यहाँ से लेकर के गई थी। जब चाबी से खोली तो वो गाड़ी खुल गई और फिर उसके इंजन नंबर 34 नंबर का मिलान किया तो पाया कि आशीष गुप्ता की ही वरना गाड़ी है। जो आरोपी पकड़ाए थे उन पर जो है अभी ऐसा बताया गया है कि ये अल्ताफ जो कि पुणे में ब्रोकर है सेकंड हैंड गाड़ियों की डीलिंग करता है, जब ये पकड़ा जाएगा तो पूरा खुलासा होगा कि अभी तक कितनी गाड़ियों का इनके द्वारा इस तरीके से चोरी करके बेची और खरीदी गई है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल